हेलो फूडीज, वेलकम बैक टू फूड एंड फूडी ऑफिशियल। प्लीज़ फॉलो फूड एंड फूडी ऑफिशियल ऑन इंस्टाग्राम, लिंक विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आज हम बनाने वाले स्क्विड फ्राई, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे आधा किलो स्क्विड लिए हैं, उसमें 1/2 टीस्पून हल्दी डालेंगे, 2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर, 2 टीस्पून बेसन, 1/2 टीस्पून नींबू का जूस, 1/2 टीस्पून हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर हम इसमें 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे। इसे मैं ऐड करना भूल गई थी, आप इसे पहले ही ऐड करके अच्छे से मिक्स कर सकते हो। अब 3 टीस्पून चावल का आटा, 2 टीस्पून रवा, थोड़ा सा नमक और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। स्क्विड को इस मिक्सचर में डीप करके कोट कर लेंगे। फिर एक कढ़ाई में तेल गरम करके स्क्विड को डीप फ्राई कर लेंगे। इसे हमें ध्यान से फ्राई करना होगा क्योंकि इसमें तेल उठने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। स्क्विड को हमें ओवर कुक नहीं करना है, वरना बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाएगा। हमारा स्क्विड फ्राई तैयार है। हम इसे मेयो, शेजवान चटनी या फिर ग्रीन चटनी के साथ सर्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फूड एंड फूडी।